टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों Redmi Note 10 इंडिया में लॉन्च हो गया है, काफी अच्छे स्पेक्स और प्राइसिंग आई है। और दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल्स बताने वाला हूँ Redmi Note 10 एस के बारे में। और दोस्तों साथ ही में ये भी आपको बताऊंगा कि क्या आपको ये स्मार्टफोन परचेज करना चाहिए कि नहीं, और आपको परचेज करना है तो किन लोगों को ये स्मार्टफोन परचेज करना है, सब कुछ बताने वाला हूँ। और साथ ही में मैंने अपने ओपिनियन भी शेयर किए हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस के, तो इसमें MediaTek Helio G95 का चिपसेट आता है, जो दोस्तों एक गेमिंग चिपसेट है। इसमें आप हैंड गेम इजीली परफॉर्म कर सकते हो। GPU की बात करें तो माली G76 है, यहाँ पे GPU मिलता है जो आपके गेमिंग में ग्राफिक्स को और भी ज़्यादा इनहेंस और इम्प्रूव करता है। अगर आपको गेमिंग करनी है और आपका बजट 15,000 तक का है तो आपके लिए अच्छी चॉइस हो जाती है। अच्छा डिस्प्ले और अच्छा परफॉर्मेंस आपको दोनों देखने को मिल जाता है, तो आपके लिए स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सही हो जाता है। कैमरे की बात करें तो Redmi Note 10 है, इसमें क्वाड कैमरास देखने को मिलते हैं, जिसमें 64 MP का प्राइमरी कैमरा है जिस पर EIS का सपोर्ट आता है, 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है जो 180° फील्ड ऑफ व्यू के साथ में आता है, 2 MP का माइक्रो लेंस है जिस पर 2x का जूम सपोर्ट आता है, और 2 MP का डेप्थ सेंसर है। तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट आपको अच्छा देखने को मिलता है, जिस पर आपको बहुत से कैमरा फीचर्स भी देखने को मिलते हैं। और फ्रंट कैमरा की बात करें तो 13 MP का फ्रंट कैमरा आता है, और इसमें भी आपको EIS का सपोर्ट मिल जाता है। तो ओवरऑल कैमरा डिपार्टमेंट आपको काफ़ी सही देखने को मिल जाता है Redmi Note 10 एस में। इसके बाद बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट की, तो 5000 mAh की बैटरी आती है जिस पर 33W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट आता है। तो दोस्तों आपको बड़ी बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो दोस्तों आपको जो बैटरी बैकअप है वो भी आपको इसी स्मार्टफोन में अच्छा देखने को मिल जाता है। इसके अलावा कुछ अदर फीचर्स की बात करें तो LPDDR4X रैम का सपोर्ट आता है, UFS 2.2 का स्टोरेज आता है। इसके अलावा Miui 12.5 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको बहुत से न्यू फीचर्स देखने को मिलते हैं। कॉर्निंग और ग्लास 3 की प्रोटेक्शन मिलती है, Wide 1 L1 का सपोर्ट है, साथ में ZX वाइब्रेटर मोटर, जायरोस्कोप, 3.5 mm ऑडियो जैक, आयर ब्लास्टर, IP53 की रेटिंग के साथ में आपको सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं इस स्मार्टफोन में। सिक्योरिटी की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है और फेस अनलॉक का सपोर्ट आता है। सो ओवरऑल इट्स अ फीचर रिच फोन। दोस्तों कलर वेरिएंट की बात करें तो इसमें हमें 3 कलर वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें ब्लू, व्हाइट और ग्रे कलर आपको देखने को मिलते हैं। दोस्तों फाइनली अब बात करते हैं वेरिएंट और प्राइसिंग की, तो इसमें हमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें 6GB 64GB की प्राइस 15,000 और 6GB 128GB की प्राइस 16,000 रुपीज़ है। तो दोस्तों दोनों ही वेरिएंट की प्राइस 1,000 रुपये से ज़्यादा है। अगर दोनों ही वेरिएंट की प्राइस 1,000 रुपये से कम होती तो ये स्मार्टफोन काफ़ी ज़्यादा सही होता। फाइनली दोस्तों अब हम बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो ओवरऑल इस स्मार्टफोन में 64 MP का क्वाड कैमरा, 6.43 के इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले, MediaTek Helio G95 का चिपसेट आता है, 5000 mAh की बैटरी, 33W के फास्ट चार्जिंग, और साथ ही में Miui 12.5 आपको आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा फोन है। अगर आपको ऑफर वगैरह लगाकर इसका बेस वेरियंट 13-14,000 तक मिलता है तो काफ़ी सही फोन है, और जो हायर वेरियंट है उसकी प्राइस 16,000 में आई हुई है। तो उसकी जगह मैं आपको Redmi Note 10 Pro का जो बेस वेरियंट है वो आपको रिकमेंड करूँगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर डील होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये स्मार्टफोन कैसा लगा। मिलता हूँ आप सभी से फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।